जब डीएवी कॉलेज से डॉक्टर साहब गए थे तो उस समय हमने इन्हें एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा था। अब पता नहीं याद है या नहीं, एक तोहफा देकर भेजा था, याद है आपको? और एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा था। मुस्कुराहटों का एक बड़ा सा खेमा जाते हुए तुम्हें देकर भेजा था। अपने बनने लिफाफे में हंसी और ठहाकों को बंद करके भेजा था। दुआओं को तेरे इर्द गिर्द सजा के भेजा था। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा था। हमने दीदी जो तुमको मुस्कुराहटे उनमें कोई तंज ना था, हंसी में कोई दम ना था, ठहाकों में कोई तंज ना था। हमने तो दुआओं को भी जान जान कर भेजा था। मिलावट ना होने देना इनमें, तुम्हें भी ये समझा कर भेजा था। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा। कभी उलझे अगर जीवन की व्यस्तताओं में, कभी उलझे अगर जीवन की व्यस्तताओं में, कभी उलझे अगर पद प्रतिष्ठाओं में, उनको सुलझाने की ऊर्जा यहीं से मिलेगी। चले जाना कहीं भी पर हम जैसी बात ना मिलेगी। तो हमने यही कहा डॉक्टर साहब कि चले जाना कहीं भी पर हम जैसी बात ना मिलेगी। हर लक्ष्य को जीतने का मंत्र तुम्हें देके भेजा था। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा था। अब ये ना कहना, अब ये ना कहना कि हम खुद ही खुद की तारीफ किए जा रहे हैं। और क्यों ना करें, हमारे इस परिवार से प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बने जा रहे हैं। वो भी इस कॉलेज का ही पौधा था। एक पेशकीमती सौगात।